मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू मैथ बुक ऑफ क्लास वन पेज नंबर 156. ओके, यहाँ पे वर्कशीट जो दिया गया उसको आपको बुक में कंप्लीट करना है. तो मैं आपको एक बार इस क्वेश्चन को पूरा समझा देती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है राइट द वैल्यू ऑफ ईच क्वाइन और नोट. यहाँ पे जो क्वाइन ये सब ये क्वाइन हुआ ये सब नोट हुआ ये सबको आपको वैल्यू लिखना, मतलब इसका कितना पैसा है वो आपको यहाँ पे लिखना है. तो यहाँ का 50 पैसा हो जाएगा रुपीज़ 50, 10 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 100. ओके, नेक्स्ट में कह रहा है राइट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन ईच पर्स. यहाँ पे दो पर्स दिया गया, उस पर्स के अंदर जितने भी अमाउंट हैं मनी पैसा रखा हुआ है, इस पैसा जो है उसको आपको काउंट करके लिखना है. ठीक है, तो यहाँ देखिए 20 प्लस 30 और 1, तो 31 रुपीज़, 31 सबके आगे रुपीज़ लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग. ठीक है, सेकंड में भी वही करना है. और थर्ड में कह रहा है सर्कल द कॉइन एंड नोट यू नीड टू बाय ईच आइटम. यहाँ पे आइटम दो दिया गया है, एक आइसक्रीम है एक क्रेयन मीन्स कलर. यहाँ पे आइसक्रीम का प्राइस जो है वो रुपीज़ 25 है, तो आपको कितने पैसे चाहिए इसको खरीदने के लिए, तो उसको आपको सर्कल करना है. ठीक है, कॉइन कॉइन मीन्स होता है सिक्का जो ये देख रहे हैं और नोट वाला ये पैसा. ठीक है, और सेकेंड में भी रुपीज़ 22, आपको 22 रुपीज़ का कॉइन खरीदना है, तो आपको कितने पैसे शॉपकीपर को देना है, तो आप इसमें जितने लगेंगे उसको खरीदने के लिए उसको आपको सर्कल करना है. ठीक है, इस पेज को 156 को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा. ठीक है, थैंक यू.